आज राहुल गांधी ने संसद में कहा कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है और जो असल हिंदुत्व है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जी। मैंने पहले ही कहा था कि यति नरसिम्हानंद यानी वो जो जासने वाला है, हाँ। जो एक बच्चे के पानी पीने पर उसको पिटवा देता है, यति नरसिम्हानंद का हिंदुत्व और महाराज प्रेमानंद के हिंदुत्व में जो फर्क है, वही फर्क बीजेपी के हिंदुत्व और देश के असल हिंदुत्व में फर्क है। असल हिंदुत्व शालीनता सिखाता है। असल हिंदू जो होगा, जो धार्मिक हिंदू होगा, वो शालीन होगा, सभ्य होगा और साथ में साथ प्रेरणादायी होगा, ठीक है, अच्छा होगा। वो हिंसा सिखाता ही नहीं, लेकिन बीजेपी का हिंदुत्व लोगों की मॉब लिंचिंग सिखाता है। बीजेपी का हिंदुत्व कहता है कि गाय को काटना पाप है, गाय को मारना पाप है, लेकिन उसी गाय के नाम पर मानव हत्या पाप नहीं है, जबकि हिंदुत्व में दोनों ही पाप है, ठीक है। तो बीजेपी का हिंदुत्व और देश का असल हिंदुत्व दोनों में फर्क है जी। और यही देश को समझना है। हाँ। मोदी जी ने, राहुल गांधी ने कोट किया बीजेपी के हिंदुत्व को और मोदी जी ने तुरंत क्या किया, देश की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। मोदी जी ने कहा यह बड़ी गंभीर बात है, ये सारे हिंदू समाज के लिए ऐसा कहा जा रहा है, यानी संसद में भी वो व्यक्ति गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जो कि भैया चिंतनीय है कि देश का प्रधानमंत्री देश के लोगों को इस तरीके से गुमराह कर रहा है, ये दुख की बात है। अच्छा बोला गया, राहुल जी बोल रहे हैं कि किस तरीके से अग्निवीर योजना एक सिर्फ यूज एंड थ्रो मजदूर बना दिया युवाओं को। बिल्कुल, अग्निवीर योजना देखो, सेना की जो भर्ती है, सेना में जो वैकेंसी निकलती है, जो सेना की जो ऑलरेडी 16 साल की है, जो नौकरी पहले ही लिमिटेड ईयर्स की है, जिसमें ज़्यादा लंबे टाइम तक सेवा नहीं होती, उसको और लिमिटेड कर देना, ये किस तरह का मजाक है। और 4 साल में कौन सी अनुशासन वो सीख पाएगा, किस तरह की ट्रेनिंग वो ले पाएगा, और इन सब के अलावा एक व्यक्ति जो शहीद हुआ उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला, पहला जो अग्निवीर था उसको शहीद का दर्जा मिला क्या? अग्निवीर को बाकी जगह कोटा मिलता है क्या? जिस तरीके से सैनिक अस्पताल है, सैनिक हॉस्पिटल है और सैनिक स्कूल है, अग्निवीर वाले को कोई रिजर्वेशन नहीं है इसमें, और देश के साथ ऐसा मजाक किया जा ही क्यों रहा है? ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है इस देश की कि 4 साल वाला अग्निवीर चाहिए? क्यों, कौन सी ऐसी नीड है जब देश में सारी व्यवस्थाएं हैं? नेता की पेंशन क्यों नहीं खत्म की जा रही है? अच्छा कितना सहमत है जो बोले जा रहा है कि डरा धमका के राजनीति किया है भाजपा ने? 100% सहमत है कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी में पता है क्या फर्क है? कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, डंकी की चोट में कहा था हम इमरजेंसी लगाते हैं। मोदी जी कहते हैं कुछ लोग ना दहेज मांगते टाइम पे क्या रिश्ता लगाने जाते हैं, तो लड़की देखते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए दहेज में, फिर पीछे से फोन करते हैं अरे आजकल लड़के को चैन भी मिल रही है सोने की, आजकल तो यार गाड़ी भी चल रही है। ये वो लोग हैं जो दहेज लेना तो चाहते हैं मगर दहेज लेने की बदनामी नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी वैसे ही लोगों में से एक है जिसने देश में इमरजेंसी जैसे कानून तो लागू करने को तैयार है लेकिन ठीकरा नहीं लेना चाहते कि मैंने इमरजेंसी लगा रहा हूँ। तो मोदी जी कर तो सारे वही काम रहे हैं, देश को पुलिसिया शासन की तरफ ले जा रहे हैं, देश में कम्युनलवाद, बहुसंख्यकवाद, जातीय एथनिक, धर्म सापेक्षता, ये सारी जो जड़ें हैं ये सब भाजपा के साथ है। गौ रक्षा दल की जितनी शाखाएं उत्तर प्रदेश में है, ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो सबसे ज्यादा गौ रक्षा दल वाले, बजरंग दल वाले, हिंदू रक्षा दल वाले सक्रिय हैं वहाँ पर। मैं कह रहा हूँ अगर पुलिस इतना अच्छा काम करी है तो इन संगठन को काम करने की जरूरत क्यों है? क्यों है भाई, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तो संगठन काम नहीं करेंगे? संगठन को इतना सक्रिय रहना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब है? या तो पुलिस का शासन खराब है या ये संगठन राजनीतिक संरक्षण के तले है। अच्छा राहुल जी ने एक बड़ा चैलेंज दिया है भाजपा को, बोले कि इस बार गुजरात में हार होगी भाजपा की और इंडिया गठबंधन की ही सरकार होगी। देखो बीजेपी ने एक सपना देखा था, हाँ। कांग्रेस मुक्त भारत का, हाँ। बीजेपी वो पूरा नहीं कर सकी, हाँ। कांग्रेस मुक्त भारत बना ना बना, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी जरूर बन चुकी है। कांग्रेस युक्त बीजेपी, हर बीजेपी का नेता सर्वे कर लेना, हर तीसरा नेता कांग्रेस ही है, हर तीसरा नेता कांग्रेस पार्टी से आया होगा। बोलने तो क्या हो गया? और इसके बाद बीजेपी के अंदर, बीजेपी ने तैयार पेपर लीक कराया, आने वाला जो टाइम आएगा बीजेपी के वापस से 2 सांसद होने वाले हैं संसद के अंदर, और ऐसी पार्टी की देश को जरूरत ही नहीं है जो देश में बेवजह का झगड़ा लगाए, कम्युनलवाद फैलाए। बहुत जल्द वो टाइम आएगा, अभी यूपी का इलेक्शन आएगा, इसका जिंदा सबूत आपको यूपी के इलेक्शन में मिलेंगे, जब यूपी में बाबा की सरकार के कुशासन का अंत होगा, ठीक है, जब यूपी में बीजेपी के शासन का अंत होगा।
मिलेंगे और इसी का प्रमाण आपको हरियाणा में भी मिलेगा और दिल्ली में भी मिलेगा। बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड जो है ये फर्स्ट ईयर का मान लो, अभी बाकी के 2 साल बाकी हैं, ठीक है, अभी और रिपोर्ट कार्ड आएंगे। और बीजेपी कितनी जिम्मेदार है, बीजेपी ने कितना अच्छा शासन व्यवस्था दिया, इलेक्शन के रिजल्ट बताते रहेंगे। जी अच्छा, क्या कहा जा रहा है कि युवाओं का भरोसा उठ गया परीक्षा से जब से भाजपा आई है? मैं तो सीधे सीधे एक बात जानता हूँ, दिया तले अंधेरा, ठीक। ये पेपर लीक हुआ, इसमें सरकार का संरक्षण शामिल है, कोई भी गैर सरकारी बंदा पेपर लीक नहीं करा सकता। यूपी पेपर लीक की घटना होती है, जांच होती है, चेकिंग होती है, क्या हुआ उन बंदों के साथ पता नहीं, क्या कार्रवाई हुई पता नहीं, बुलडोजर फिरा कि नहीं फिरा पता नहीं, वो बीजेपी के थे किस पार्टी के थे, कहां से थे, क्या थे, पता नहीं। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, पकड़ धकड़ चल रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये मामला शांत हो जाएगा। यूपी पुलिस का पेपर कब होगा पता नहीं, दोबारा एडमिट कार्ड कब आएंगे पता नहीं, दोबारा फॉर्म कब चालूंगे पता नहीं, जो लोगों ने फीस भरी पता नहीं, सरकार के मुंह में जुबान नहीं। मोदी जी की ऐसे जुबान रेडियो पे तो चलती है, संसद में तो चलती है, हिंदू मुसलमान पे तो चलती है, लेकिन देश के एजुकेशन के मुद्दे पे नहीं बोल सकते वो, ठीक है, देश में हॉस्पिटलिटी के मुद्दे पे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोले नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी की जुबान को लकवा क्यों मार गया नीट के मुद्दे पर? नरेंद्र मोदी की जुबान को लकवा क्यों मार गया था यूपी पुलिस की भर्ती के मुद्दे पर? क्या होगा उन लोगों का जो 62-65 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था यूपी में पुलिस की भर्ती के लिए, उनके भविष्य का क्या होगा? आज 1 साल होने को करीब, मतलब 1 साल हो ही जाएगा, मतलब 6 महीने होने को है, 6 महीने हो चुके, फरवरी का था एग्जाम, 6 महीने हो गए, 6 महीने बेरोजगारी का भत्ता दिया सरकार ने, 6 महीने उन लोगों का जो नुकसान हुआ उसका कुछ जिम्मा लिया सरकार ने? इवन सरकार भत्ता वत्ता देने की तो दूर की बात, सरकार जिम्मेदारी लेने तक को तैयार नहीं है कि हमारी सरकार में गलती हुई, हम इस गलती में सुधार करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्ट्री के तौर पे क्या कर रहे हैं? अभी भारतीय न्याय संहिता लगी है, इसके तहत लॉ के सब्जेक्ट में, ठीक है, जो लॉ करते हैं उसमें कितना चेंजेस आएगा, कितने लोगों को कितनी स्टडी करनी पड़ेगी, नए वकीलों को कितने नए चीजें पढ़नी पड़ेगी, इसके कोई इम्पैक्ट पर कोई चर्चा हुई नहीं। पहली बात क्या है, ये सरकार मनमाने ढंग से कुछ भी लॉन्च करना चाहती है और वाहवाही बटोरना चाहती है। ये सरकार विश्वास करती है प्रचार में, ये सरकार अभी देखो ये भारतीय न्याय संहिता के भी खूबियां गिनाएंगे, ठीक है, हो सकता है कुछ अच्छाइयां भी हों, लेकिन हर चीज में अच्छाइयां हैं तो कमियां भी हैं। मैं कह रहा हूं देश की जनता को पता होना चाहिए कि उनके ऊपर क्या कानून थोपे जा रहे हैं, क्या कानून लगाए जा रहे हैं। मैं अभी तक बीजेपी क्या है, मोहल्ले में इलेक्शन के लिए अवेयरनेस फैलाती है, कैंपेनिंग करती है कि बीजेपी आएगी तो ये होगा वो होगा, हर पार्टी करती है, ये न्याय संहिता के लिए अवेयरनेस क्यों नहीं थी? भारतीय न्याय संहिता देश के लोगों की अवेयरनेस, देश के लोगों को अवेयर क्यों नहीं किया जा रहा कि जो 15 दिन का पहले था, 15 दिन की कस्टडी थी वो 90 डेज की कस्टडी होने जा रही है, ये कानून में ये बदलाव होने जा रहे हैं, आप इस चीज का ध्यान रखें। आप इस चीज की अवेयरनेस जनता को कौन देगा? और सरकार की जिम्मेदारी क्या है? रेडियो के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं BNS की, ठीक है, और टेलीविजन के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है, न्यूज मीडिया पे कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं, ठीक है। तो ये जो देश की जनता के साथ उनको एक ठगने का काम जो हो रहा है, उनको गुमराह करने का काम, इस पर सरकार एक कब बोलेंगी? जी ठीक, क्या कहना है, राहुल गांधी जी ने संसद में कहा कि मोदी जी का डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान जी के साथ, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा खुद ही बयान दिया। हाँ बिल्कुल, देखो झूठ 3 प्रकार के होते हैं, एक झूठ, एक सफेद झूठ और तीसरा आंकड़े, और मोदी जी तीनों बोलने में माहिर है। मोदी जी देश को तीनों तरीके से गुमराह कर रहे हैं, झूठ तो बोल ही रहे हैं, सफेद झूठ आज उन्होंने संसद में बोला, ठीक है, और आंकड़ों के हिसाब से तो उनकी सरकार लगातार झूठ बोलती आई है। जैसे वो कहते हैं कि देश में महंगाई है तो बाइकें क्यों बिक रही है इतनी ज्यादा, भैया क्यों बिक रही है? क्योंकि देश को सेल्फ रोजगार करना पड़ रहा है, स्विगी जोमेटो में लगाना पड़ रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल सी डिलीवरी बॉय की नौकरी करने के लिए लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो ये समझना चाहिए मोदी जी को।